कैसे करें गूगल ड्राइव से वन ड्राइव पर डाटा माइग्रेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जानवी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरह से अपनी गूगल ड्राइव के डाटा को कर सकते हैं वन ड्राइव में माइग्रेट। जी हाँ, हमेशा की तरह बेहद कम समय में और कुछ ही स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ हमें अपनी जी ड्राइव के डाटा को वन ड्राइव में माइग्रेट करने के लिए डाउनलोड करना होगा सिस्टूल्स जी ड्राइव टू वन ड्राइव माइग्रेटर सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर के इस डाउनलोडिंग पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर को वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम चार अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। जी हाँ, एडमिन अकाउंट यानी कि जी ड्राइव एडमिन टू वन ड्राइव एडमिन, और दूसरा है इंडिविजुअल यूजर अकाउंट, जिसमें आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला गूगल ड्राइव एडमिन टू वन ड्राइव यूजर, गूगल ड्राइव यूजर टू वन ड्राइव एडमिन एंड गूगल ड्राइव यूजर टू वन ड्राइव यूजर। तो दोस्तों, आप यहां अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर अपनी जी ड्राइव के डाटा को वन ड्राइव में माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहां जी ड्राइव एडमिन टू वन ड्राइव एडमिन में अपने डाटा को माइग्रेट करना सीखेंगे। तो चलिए अब यहां हम सिस्टूल्स जी ड्राइव टू वन ड्राइव माइग्रेटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद अपने पीसी में इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। यहाँ आप सॉफ्टवेयर की पहली स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि हम सिर्फ तीन स्टेप्स में ही अपनी जी ड्राइव के डाटा को वन ड्राइव में माइग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें सबसे पहले इस ब्राउज के बटन पे क्लिक करके पहले से बनाई गई इस CSV फाइल को यहाँ सिलेक्ट करना है, जिसमें हमने अपने एडमिन अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दिए हैं। और अगर आप नहीं जानते कि इस CSV फाइल को किस तरह से बनाया जाए, तो आप यहाँ इस व्यू सैंपल CSV के बटन पर क्लिक करके डेमो CSV फाइल को देखकर अपनी CSV फाइल को तैयार कर सकते हैं। नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी, जिसमें हमें अपने जी ड्राइव के एडमिन क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। लेकिन यहाँ एडमिन क्रेडेंशियल्स डालने से पहले आपको अपने जी ड्राइव की सेटिंग्स में जाकर स्कोप्स ऐड करना होगा। और ये आप कर सकते हैं यहाँ ऐड एडमिन स्कोप्स पर क्लिक करने के बाद आए इन स्टेप्स को फॉलो करके। इसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप में आता है डॉक्यूमेंट फिल्टर, जहां हम परमिशंस को यहां इन ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके नीचे आए ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डेट फिल्टर का ऑप्शन, जहां हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट के बीच के डाटा को माइग्रेट भी कर सकते हैं यहां डेट डालकर। और फिर है फाइल टाइप फिल्टर्स का ऑप्शन, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जी ड्राइव से कुछ सिलेक्टेड फाइल्स टाइप को माइग्रेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ सिर्फ अपनी जी ड्राइव से इमेजेस और वीडियोस को ही माइग्रेट करना है, तो हम यहाँ JPEG और MP4 टाइप कर देंगे। बाकी आप इस फिल्टर का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं, जैसे भी फाइल टाइप्स आप यहाँ माइग्रेट करना चाहें। तो यहाँ दोस्तों, अपने डाटा पर फिल्ट्रेशन लगाने के बाद हम नीचे दिए गए एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक छोटी विंडो खुलती है, जिसमें हमें बिल्कुल वैसे ही अपने वन ड्राइव के एडमिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, जैसे कि हमने जी ड्राइव के डाले थे। और बस यहाँ ऐड स्कोप की जगह ऐड इम्पर्सोनेशन करना है। तो यहाँ हमें अपने वन ड्राइव क्रेडेंशियल्स डाल के इस लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है।
जिसके बाद हमारा वन ड्राइव का एडमिन अकाउंट भी वैलिडेट हो जाएगा, अपने जी ड्राइव के डाटा को वन ड्राइव में माइग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ हम डाटा जी ड्राइव से वन ड्राइव में माइग्रेट होने के बाद माइग्रेशन की कंप्लीट डिटेल को सेव रिपोर्ट पर क्लिक करके CSV फाइल में सेव कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं, ये है हमारे जी ड्राइव से वन ड्राइव में माइग्रेट किया गया डाटा, जो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वाईफाई गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।